ये आलम स्केप्टिक साहब या आलम खान साहब भी, आलम खान साहब आपसे तो बात हो गई है ना अभी यस थोड़ी देर पहले? सर। नहीं मुझसे बात नहीं हुई आप। अच्छा नहीं जनाब, जी। मोमिन है आप? यस सर। अच्छा इंडिया से? साबित नहीं करें, साबित करें। हाँ इंडिया से। ओके कोई नहीं यार, तो बात से समझ में आता है। अच्छा आलम साहब, ये जो जी अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे और जो ये सैनिक हमारे जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, तो इस्लाम के हिसाब से जन्नत मिलेगी या जहन्नम में जलाए जाएंगे? बारबेक्यू होगा? कल में इस्लाम के हिसाब से हम देखे आएंगे तो जहन्नम में जाएंगे सर। जहन्नम में जाएंगे ना। यस जहन्नम में उनका किस और तरह बारबेक्यू आपको होगा जी सर? जहन्नम में बारबेक्यू कैसे होगा उनका? तो आपको मैं ज्यादा जरा बता दे भाई लोगों को मेरा, भाई। साहिल भाई मेरा एक क्वेश्चन और एक आया तुम्हारे पे, क्वेश्चन है मेरा ये कि चलो बोलो। सब फ्रीडम फाइटर जहन्नम में जाएंगे क्योंकि वो नॉन मोमिन थे, बराबर है, लेकिन ये मोहम्मद अली जीना जो पाकिस्तान का जो ये है, मोहम्मद अली जीना भाई, ये आदमी कहाँ, ये जन्नत में कि ये भी जहन्नम में? आलम खान साहब, जी उनके बारे में इतना पढ़ा नहीं हूँ लेकिन शायद वो कलमा पढ़ते थे सर। तो जन्नत मिलेगी ना? तो हाँ इंशाल्लाह मिलना चाहिए। तो आलम, आलम भाई आपको नहीं लगता कि ये इतनी, यानी ये एक हेट है इस्लाम का? मुझे ये लगता है सर, देखिए हम जो दुनिया में आप तुम्हें ज्यादा जानते हो और आप खुद एक गैर मुकलद रहे हो, तो इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट ये ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना है आपको। नहीं पढ़े अब तो नहीं, मेरे पास तो नहीं पढ़े तो फिर वही जन्नत तो जहन्नम है, जन्नत है जहन्नम है, जो पढ़ा हो जन्नत में, जो नहीं पढ़ा हो जहन्नम में। बस बस अच्छा थैंक एक मिनट एडम। अच्छा आलम साहब, आपकी इंसानियत, आपके अंदर का देश का जो जज्बा है वो क्या बोलता है कि जो जिन्होंने तुम्हारे और मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उनको जन्नत मिलना चाहिए या जहन्नम मिलना चाहिए? अब इस्लाम को छोड़ दो। देखिए साहब, अगर अभी हम ये देखे जाएंगे ना, हो सकता है उनको आखिरी वक्त में फरिश्तों ने कलमा पढ़ा दिया हो तो हाँ, ये भी हो सकता है ना, क्या ये भी हो सकता है। आखिरी अगर वक्त? वो बंदा में फरिश्तों ने अगर उनको कलमा पढ़ा दिया तो ये भी हम सोच नहीं लेकिन सकते ना। नहीं हो सकता ना वैसा ईमान, वैसा ईमान तो कबूल ही नहीं किया जाएगा ना। जब फरिश्तों को देख लिया तो उसका गैप का जो ईमान है, गैप पे जो ईमान लाना है जी वो तो खत्म हो गया फरिश्ते को अगर देख लिया तो। नहीं, ये बात मैंने आपकी तो ऐसे पॉसिबल ना, है ही नहीं। नहीं, मैंने को मुझे ना एक वाक्या भूल गया हूँ। मैंने एक वाक्या पढ़ा था इसमें कि नहीं कोई अच्छा बंदा मेरे जो को, अच्छा काम करता है अल्लाह जी भाई नहीं मेरी बात सुनो, अगर समझो जी उसको फरिश्ते ने कलमा नहीं पढ़ा, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर फरिश्ते को देख लिया अब वो ईमान भी लेके आ जाए तो वो कबूल नहीं किया जाएगा, जैसे कि फिरौन का वाकया जो है कुरान में आता है, ठीक है, जब आखिरी वक्त में हाँ उसने कहा था तो उसका ईमान कबूल नहीं किया गया था। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये आप अपना दिमाग चला रहे हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ है। मैं कह रहा हूं कि उसने कलमा नहीं पढ़ा था, वो मूर्ति पूजा करता था, शिर्क करता था, लेकिन आपके अंदर की इंसानियत, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको देश से मोहब्बत होगी, है क्या? नहीं है? बेशक देश से मोहब्बत है तो देश के जो फ्रीडम बेशक फाइटर्स गुजरे हैं और जो हमारे जवान जी हैं उनके लिए भी मोहब्बत तो होगी, बेशक रिस्पेक्ट भी होगी उनके लिए। बहुत रिस्पेक्ट तो ये जो आपका जो देश का जो जज्बा है वो क्या कहता है कि उनको जन्नत देना चाहिए अल्लाह के जहन्नम देना चाहिए? देखिए। मैं तो एक्सपेक्ट ये करता हूँ, देखिए दो चीज इसमें हम देखेंगे साहिल भाई, या इस्लाम करके को दे छोड़ या दो। मर के दे, इसमें हम दो ही चीज देख सकते। सुनो नहीं सुनो मैं मेरी आपको बात एक सुनो, मिसाल दे रहा हूँ, या मेरी करके बात दे। सुनो ना, मैं तो चाहूंगा जितनी भी हमारे मैं इस्लाम की अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, जी क्योंकि इस्लाम के हिसाब से आपने बता दिया कि उनको तो जहन्नम मिलेगी और उनको सड़ाया जाएगा, गलाया जाएगा, ये होगा वो होगा। मैं आपके अंदर जी का जो हिंदुस्तानीपन है, जो मोहब्बत है, वो क्या कहती है वो जानना चाहता हूँ कि इनको जन्नत मिलनी चाहिए या जहन्नम मिलनी चाहिए? इनको इनको है ना जन्नत ही मिलना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ अच्छा रुक हो जाओ, सकता है कि अच्छा रुक जाओ फरिश्तों रुक ने, इनको जाओ मुझे एक वाकया याद नहीं रुक आ रहा है। जाओ, जी अरे जी रुको जी ना मैं खाली भाई फ्रीडम जी रुको ना, यानी आपके हिसाब से उनको जन्नत मिलना चाहिए, अल्लाह के हिसाब से वो जहन्नम में जाएंगे, तो मेरे ख्याल से तो आप ज्यादा अच्छे हुए अल्लाह से।
मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं को एक वाक्या भूल गया हूँ जो याद नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्ट्रीम में आऊंगा ना तो मैं आपको वाक्या बताऊंगा। मैं खाली नहीं फ्रीडम बता फाइटर्स ना की बात हम, नहीं कर रहा हूँ जो हॉस्पिटल, मुझे मेरे दिमाग से निकल गया। साहिल भाई नहीं ऐसा भी कोई एक बार मुश्किल बहुत नहीं। सारे वाक्य आए हैं, ऐसे भी वाक्य आए हैं कि बंदे है ना फरिश्तों ने आके ना कलमा पढ़ाया, मेरे दिमाग से वो निकल तो रहा है। ऐसे भी भाई कई वो आए बात, वाक्य। अब फिरौन के आपने एग्जाम्पल दिए ना, तो फिरौन एक हाँ जालिम आदमी था। हमारे वहां के जो हिंदुस्तान के हो गए या गैर मुल्क के हो गए, ये लोग सब हमारे देश के लिए लड़ते। हो सकता है क्या इसमें किसी ने फरिश्तों ने कलमा पढ़ा दो? इस्लाम हो सकता है। इस्लाम अल्लाह हो इतना सक जालिम भी तो नहीं है ना, अल्लाह गफूर रहीम भी है, है ना भाई, अल्लाह ये भी तो जालिम है है ना। ना, जी 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 अल्लाह जालिम है ना भाई, क्योंकि अल्लाह तो साफ साफ कुरान में कहता है ना कि जो शिर्क करे उसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, अब चाहे वो कितने भी अच्छा काम करो। आप मुझे बताओ, आपके हिसाब से एक कोई किसी का रेप कर दे, यानी कोई बच्ची का रेप कर दे या किसी का कत्ल कर दे, वो ज्यादा बड़ा गुनाह है क्या शिर्क करना ज्यादा बड़ा गुनाह है? अल्लाह के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं मैं, देखिए आपके हिसाब से, आपके हिसाब से, यानी कोई देखिए एक मेरे मूर्ति हिसाब पूजा से, करता है, सुनो ना मेरी बात सुनो, मैं एक एग्जांपल देता जी हूँ। जी मैं बात समझ गया आपके। मैं हाँ तो बताओ कि वो मूर्ति देखिए पूजा करने वाला इंसान, वो दान कर रहा है, मुसलमानों की हेल्प कर रहा है, गैर मुसलमानों की हेल्प जी कर रहा है, सब कर रहा है वो, लेकिन वो मूर्ति पूजा भी कर रहा है, और दूसरे साइड एक मुसलमान है जो अल्लाह पे ईमान रखता है, शिर्क नहीं कर रहा है, लेकिन वो रेप भी कर रहा है, तो आपके हिसाब से ये मूर्ति पूजा करने वाला बेकार इंसान है, या फिर जो रेप कर रहा है वो जहन्नमी ज्यादा इंसान। गुनाह वाला, या हाँ वो इंसानियत के बुरा तौर काम पे कर हम रहा है? देखेंगे ना, जहन्नमी इंसानियत के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे अल्लाह ना, के तौर पे तो जहन्नम में हम, जाएगा कि नहीं, इसीलिए मैंने मैं फिक्स नहीं कर नहीं लिया दोनों थोड़ा। एक दोनों एडम दोनों पूछेंगे, मिनट पहले वो इंसानियत के मुझे तौर पे प्लीज, बोल रहे हैं। दो हाँ दो मिनट मुझे प्लीज देना। जी जी देखिए कैसा बोलो होता अगर बोलो। हम इंसानियत के तौर पे देखेंगे ना, तो हम हाँ देखेंगे जो रेप कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वही बुरा आदमी है। लेकिन जब हम एग्जैक्टली इस्लाम के क्राइटेरिया पे आते हैं ना, इस्लाम के क्राइटेरिया पे देखिए, हमको समझाया जा रहा है। आज दावत चल रही है, हर जगह दावत चल रही है, लोगों को समझ में आ रहा है, और हमको क्या बताया जा रहा है? एक खुदा पे तो ईमान रखने में बताया जा रहा है ना, और क्या बताया जा रहा है? हो तो सकता है यही जो अच्छा तो काम करते हैं, हो सकता है साहिल भाई जो अच्छा काम करते हो आखिरी वक्त में लोग कलमा पढ़े हो, ऐसे कई नहीं है वाक्य गुजरे ना, मेरे पास, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हो नहीं सकता है है, ये भी हो ना, सकता है नहीं हो जी। सकता अगर में से नहीं बात पढ़ा नहीं साहिल होती। भाई, नहीं हाँ एंड कर वही, देना, नहीं पढ़ा उसने हाँ फिर। नहीं पढ़ा अल्लाह उसने गफूर तो, रहीम है इंशाल्लाह। अगर नहीं कोई पढ़ा फ्रीडम उसने फाइटर तो, है कोई, नहीं पढ़ा उसने तो। तो जहन्नम में जाएगा मैं। थैंक यू तो भाई, भाई तो ये आपकी सोच यस ज्यादा अच्छी है ना अल्लाह की सोच से, तो ये क्यों ऐसी बेकार सोच में आप फंसे पड़े हो इस्लाम में? आपकी सोच नहीं मुझे कितनी अच्छी है। मैंने मैंने तो ये भी मतलब इस्लाम से सिखाया ना, गफूर रहीम अल्लाह, तो उस हिसाब से ही मैं सोच रहा हूँ। नहीं है ना, लेकिन गफूर रहीम बताया ना अभी आपको, अल्लाह कहता है कि शिर्क के अलावा सब गुना माफ कर दूंगा, शिर्क नहीं माफ करूंगा, तो गफूर रहीम ऐसे नहीं है, कई खत्म हो वाक्य जाता। हुए। नहीं, आदमी को समझना भी चाहिए कि भाई जो अच्छा काम करता है ये होता है, आखिरी वक्त में फरिश्ता उसको कलमा पढ़ाएगा, अच्छा एक इंशाल्लाह काम मैं करते, साबित करूंगा। हाँ अच्छा, एक नहीं काम करते फरिश्ता तो एडम, एक पढ़ेगा काम जो करते, एक अच्छा मिनट एक काम मिनट, करता है। अच्छा रुको मेरे जी भाई, आप एक काम करना, आपके ऊपर ये आपके पास ये होमवर्क आप लेके जाएंगे कि जो अच्छा परफेक्ट। काम करता है, जो मूर्ति पूजक है, जो बहुत अच्छा काम किया है, लास्ट वक्त में अल्लाह जो है फरिश्ते के जरिए उसको कलमा पढ़ा देता है, ये आप देख के ठीक है आएंगे। मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा इस पे, इंशाल्लाह वाक्य नेक्स्ट टाइम नहीं, आऊंगा दलील ना, दलील, नहीं हाँ सुनो वही मेरी वाक्य बात, ना जो दलील के भाई, साथ, वही वाक्य ना वही जो वही तुम वही भूल गए वही, हो, वही वाक्य ना जो तुम भूल गए हो, वही हाँ वाक्य वही वही बताओगे ना वही, जी। वो तो मैं वही असल वही में वो, अचानक से ना, अचानक से स्ट्रीम में आ गया हूँ, इतना प्रिपेयर नहीं हुआ था हाँ मैं। यार अरे क्या मतलब, यस जल्दी यस जल्दी यस गिरे यस स्ट्रीम यस में घुस गए। एक बात सॉरी सुनो, एक मुझे आलम टॉपिक नहीं खान पता था साहब, भाई, टॉपिक अच्छा देखा मेरे हो मैं आ भाई गया। जी 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 आलम जी खान जी साहब सुनो, वो वाकिया जो है वो कुरान से या रसूलुल्लाह की हदीस में होना चाहिए, ठीक है? ओके, और अगर ऐसा आपको ओके नहीं ओके मिला, और अगर ऐसा आपको नहीं मिला ऐसा कोई वाकया, क्योंकि ऐसा कोई वाकया नहीं है, ठीक है, अगर आपको ऐसा वाकया नहीं मिला तो क्या आप इस बारे में सोचेंगे कि आप ज्यादा, आपकी सोच ज्यादा अच्छी है इस्लाम से, गौर फिक्र करेंगे फिर? हाँ देखिए समझ में, मुझे साहिल भाई मुझे एक बात करनी थी छोटी सी। देखिए हम ये दो तो देखेंगे, बहुत सारी चीजें ना हम तक पहुंची नहीं है, ठीक ओके है। है, हम क्या अगर बोल बुजुर्गाने रहे बहुत, मैं मेरी बात सुनिए ना प्लीज। नहीं, मुझे हेलो, पहले ये समझना, पहुंची नहीं का क्या मतलब, क्या मुझे कोई मुझे खा गई, खाई हाँ गई मैं आपको बताता हूँ। पर नहीं खा मिसाल गई, के तौर पर देखिए हर चीज है ना इस्लाम में बताया गया। आज के टाइम पे हम देखे आएंगे कि भाई
ओवरटेक करना जरूरी है या नहीं है, ये भी हम इस्लाम के तौर पर देख सकते हैं ना। इस्लामिक चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, वो बकरी कहाँ गई, कहाँ गई? तो बुजुर्गाने दीन की भी हम अगर कुछ चीज देखेंगे ना, तो भी हम उसमें गौर फिक्र कर सकते हैं। छोड़े, आपकी यहाँ पे गेम खत्म करते हैं यार, बहुत लंबा हो गया, मुझे बोरियत हो रही है। अल्लाह मियां का एक नाम है अर-राज़िक, राइट? ओके, है कि नहीं है? राज़िक है, राज़िक है ना, अल-कहार अल-वहाब अर-राज़िक, राइट? जी जी ओके, इसका मतलब क्या होता है? प्रोवाइडर, देने वाला, खाना रिस्क देने वाला, राइट? रिस्क देने वाला, परफेक्ट। अच्छा, अल्लाह मियां अगर रिस्क देने वाला है तो मुझे बताएं कि इतने लोग जो यहाँ पे मर रहे हैं भूख से, अल्लाह मियां उनको रिस्क क्यों नहीं दे रहा? वो तो खुद रिस्क देने वाला, उसने कहा कि ही इज द प्रोवाइडर। क्या मतलब कहां मर रहे? पूरी दुनिया में मर रहे हैं यार, क्या मतलब? ये भी अब इसकी कभी गूगल मार के देखे हो? यमन में देख लो भाई, एग्जांपल दी देता हूं, यमन में देख लो भाई, जिसकी मौत जिस हिसाब से लिखी हुई है वो उस हिसाब से आएंगी ना भाई। मगर अल्लाह रिज़्क देने वाला है ना, राज़िक है। उसको फिर राज़िक नहीं कहना चाहिए था, बेशक उसको राज़िक नहीं कहना चाहिए था। कैसा है भाई, अगर अल्लाह ताला को आप इसमें से हटा दो, मिसाल के तौर पर मेरी एक बात सुनिएगी प्लीज, मेरी मिसाल के तौर पर रिस्क नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर अल्लाह को हटा दो फिर भी तो वही हो रहा है ना। अल्लाह को कैसे हटा दो? अल्लाह को रखेंगे, मिसाल बता, मिसाल बता रहा हूँ एडम भाई, सुनना यार, पता नहीं दिमाग का ढक्कन क्यों नहीं खोल के आते यार आप लोग। देखें, अभी आपने अल्लाह के एक नाम के ऊपर गेम डालने की कोशिश की है, ठीक है, मैंने उस नाम की जगह एक और नाम ले लिया, अब उसकी गेम डाल दें। देखें, अल्लाह राज़िक है, अब अल्लाह को क्यों उठा दूं मैं? अल्लाह खुद कह रहा है मैं राज़िक हूँ। अल्लाह को हर बंदे को रिस्क देना चाहिए था, एटलीस्ट इतना तो बेयर मिनिमम देना चाहिए ना कि भूख से ना मरे। हमारे इतने लोग जो दुनिया में भूख से मर रहे, क्यों मर रहे? या अपने आपको राज़िक नहीं कहना चाहिए था अल्लाह को, या अपने आपको राज़िक नहीं कहना चाहिए था? बिल्कुल, अगर भूख से मारना है तो राज़िक नहीं कहता। हेलो, मेरी बात ये है कि अगर अल्लाह को हम हटा दीजिए, साहिल भाई आप ये, चलिए अल्लाह को आप हटा दीजिए, फिर भी तो लोग मर रहे ना, तो हाँ ना, जिसकी मौत जिस हिसाब से लिखी हुई है वो आएंगे, यही बात है, जिसकी बात जिस हिसाब से लिखी हुई है। मेरे भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप ये बहुत अच्छी बात कर रहे हो, अभी आप दिमाग से सोच रहे हो कि आपको अल्लाह को हटा देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो कह रहा है वो असल में हकीकत आपको नजर नहीं आएगी दुनिया में, इसीलिए आपको अल्लाह को हटाना है और प्रैक्टिकली दुनिया को देखना है। आप समझ रहे हैं, आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, इसको थोड़ा अच्छे से गौर और फिक्र करके आप सोचोगे तो ये अल्लाह ने जो बात कही है कि मैं रिस्क देता हूँ, आप जो है अपने बच्चों को ना मारो, मैं उनको भी रिस्क देता हूं, तुमको भी रिस्क देता हूं, और उसके बाद आपको एक आयत इस तरीके से मिल जाएगी, पूरी स्ट्रीम हमने की है दोस्त की, कि जितने जमीन में चलने वाले हैं सबको रिस्क अल्लाह देता है, लेकिन दुनिया में आप जब ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड रियलिटी आप देखोगे तो वहां पे ऐसा नहीं है। लाखों लोग जो है, जाके गूगल पे सर्च कर लो कि कितने लोग भूखमरी से मरते हैं, खाना नहीं पहुंच रहा है उनके पास, पूरे सूख सूख के मर जा रहे, उनके अंदर की गोश्त जो है ना, मास वो पूरा गल जा रहा है। तो इसमें गलती हमारे भी है ना, हाँ हमारी अल्लाह ने गलती हमको भी राज़िक राज़िक अल्लाह, इसमें जिम्मेदारी हमारी भी है ना। ये देखिए, इसमें आपने जो एक आवाज निकाले ना, तो इसमें हमको भी गौर फिक्र करना चाहिए कि भाई जिस तक आज कल से हम ये धंधा चालू कर देंगे, ये कर देंगे, जिस तक रिस्क नहीं पहुंचा हम पहुंचाएंगे ना। अच्छा, हम नहीं पहुंचा पाए ना, एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो। जी जी जी। अगर मैं, मेरे पास बहुत रिस्क है, समझ में आया, मेरे पास बहुत है, ट्रक भर भर के खाना है, और एक गांव है वहां पे मुझे वो खाना पहुंचाना है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं पहुंचा रहा हूँ, ठीक है, ओके, मैं नहीं पहुंच रहा हूँ और वो भूख से मर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ने मेरे को काम दिया था, मैंने नहीं किया वो काम, अब उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है अगर मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ तो? अच्छा, मैं एक बात बोलूं आपको? अरे पहले इसका एक बात, इसका पहले, अरे मेरे भाई, नहीं, इसका नहीं, पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा ना साहिल भाई, ये इस सवाल का जवाब ही है, अल्लाह के तौर पे हम बात कर रहे हैं ना, इसके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं आपको एक मिसाल के। देखिए कैसा होता है, अल्लाह ने हमें अपने माँ के पेट में भी रिस्क दिया है, उधर दुनिया में नहीं दे रहा, दुनिया में नहीं दे रहा ना, क्यों नहीं दे रहा? वही तो सवाल है, क्यों नहीं दे रहा है जब अपने आपको दे रहा है? आलम भाई, जब वो अपने आप को राज़िक कह रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है उनको रिस्क? रिस्क मिल तो रहा है, किसको नहीं मिल रहा सर? अरे यार, और जो नहीं दे रहा है जालिम। एक मिनट रुक जाओ,
हमारे आलम भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा ये देखते नहीं है। ये देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है आलम भाई, सम सोर्सेस एस्टिमेट दैट 20 मिलियन पीपल डाई ईच ईयर ऑफ हंगर रिलेटेड कॉसेस, भूखमरी के वजह से 20 मिलियन लोग मर जाते हैं, लॉसिंग 25,000 टू हंगर एवरी डे। ये देखिए, ये ऐसे आपको हजारों सर्वेज आपको मिल जाएंगे जहां पे आप देखोगे कि, और इसमें आप अंदर जाओगे तो कौन कौन सी जगह पे कितने लोग मर रहे हैं भूखमरी की वजह से, आपको सब मिल जाएगा। अच्छा तो मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे, खाने पे भी हाँ, बात चल रही भूखमरी पे, एक बंदा है ओके, उसको जीने के लिए मतलब डेली लाइफस्टाइल के लिए कितना खाना लगता है, कितनी कैलोरीज वो इंटेक करेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है उससे और इस टॉपिक से क्या रिलेशन है वो बताइए। इसमें जो आप गूगल पे हर चीज सर्च करोगे 2000 कैलोरीज आगे वो एग्जिट 2000 कैलोरीज उसको डेली चाहिए। किसको, मैन को वुमेन को? एवरेज दे रहा हूं तुम्हें, अरे ऊपर नीचे पकड़ लो ना यार, 1100 अप्रोक्सीमेटली 1100 कैलोरीज से ज्यादा चाहिए। ओके ठीक है, 1500 कह दिया एवरेज, चलो आगे चलो 1100 कह दिया एवरेज। तो इतन एक बंदा, अगर साहिल भाई एक बंदा डेली 5 रोटी भी खाएंगे ना, 5 रोटी 5 से 10 रोटी तो भी वो जिंदा रह सकता है, लेकिन नहीं मिल रहा ना उनको। अरे तो कहाँ नहीं मिल रहा वो नहीं समझ में आ रहा है ना भाई, कई सारी जगह है दुनिया में, कहाँ नहीं मिल रहा है। सुनो मेरी बात सुनो, आपको जब कैलोरीज करके जो ये वर्ड, सुनो मेरी बात सुनो आलम जी, जब आपको कैलोरीज वर्ड पता है, कैलोरीज की जरूरत होती है बॉडी में, कैलोरीज इनटेक होना चाहिए, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना भाई कि एक गूगल में सर्च करके आप देखो कि कितने लोग भूख से मर रहे हैं। आप लोग ये अनजान क्यों बनते हो मेरे भाई, अल्लाह को बचाने के लिए अपने अंदर क्या, अल्लाह का निजाम एक देखिए, अल्लाह में आप अल्लाह को नहीं मानते तो आप अल्लाह के वर्ड को ना स्किप कर देना। अल्लाह ने हमारे बॉडी का सिस्टम ना एकदम आसान बनाया। फॉर एग्जाम्पल हम कोई कार्ब्स खाते हैं ना जीने के लिए, तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स में डाइजेस्ट होता है, चाहे आप कुछ भी खाए, अगर बंदा पत्ता भी खाता है ना, पत्ता एक दिन पत्ता भी खाएगा। बायोलॉजी की एग्जाम्पल दे रहा है भाई, अल्लाह गिव क्यों नहीं कर रहा? अरे कहा नहीं हो रहा, आप एग्जाम्पल आप गूगल मत खोलिए, एक एग्जाम्पल बताइए कि एक शहर है वहां पर खाना नहीं मिल रहा। आपको पता है आपको वेस्टर्न आपको इंडिया मैं बता रहा हूँ मेरे भाई मैं बता रहा हूँ आपको, रुक जाओ। ओह मैन सीरियसली स्पीकिंग यार, मीनवाइल ये हमारे यार ये कितना इग्नोरेंट है। नहीं ये जानबूझ के, ये असल में देखो अभी तक इनको मैं एक अच्छा भाई समझ रहा था, यानी सच्चाई हक को बताने वाला भाई समझ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना ये नाइंसाफी कर रहे है। मैं आपको बता देता हूँ किधर किधर लोग मर रहे हैं। मोमिन की जलेबियां कह रहे हैं साहिल भाई, अफगानिस्तान को श्री श्री मोदी जी ने 50,000 टन गंदुम दिया था, तो इस हिसाब से श्री मोदी जी अल्लाह से बड़े हुए, बिल्कुल राजी के ओके ओके। एक मिनट रुको, हम देखते हैं अफगानिस्तान में सर्च कर लेते हैं, हाउ मेनी पीपल डाई ऑफ हंगर इन अफगानिस्तान every year. okay let me just search that. एक मिनट, अफ्रीका के भी कई सारे उसमें मिल जाएगा, ये देखो। okay time running out of crisis Afghanistan. okay according to the health ministry approximately 1 in 10 newborn Afghani babies born over 13,000 total increasing believe it worsening malnutrition hunger related diseases. ये लो ये सर इन्हें पढ़ा दें, हंगर रिलेटेड। सर भी आप पढ़िएगा जरा, मैं आता हूं, दो मिनट दीजिएगा मुझे, आप पढ़िए। According to a health ministry official, approximately 1 in 10 newborn Afghan babies born since Jan 2022 have died. Over 13,000 total and increase believed to be exacerbated by worsening malnutrition, hunger-related diseases. ये देखिए भाई, यहाँ आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान। उस इसी तरीके से आपको कई सारी जगह है भाई,
दुनिया की कई सारी जगहों पे, खास करके आप अफगानिस्तान ले ले, यमन ले ले, सोमालिया ले ले आप, और अफ्रीका के कई सारी जगह पे आप ले लीजिए, वहां पे लोग मर रहे हैं, खाना नहीं पहुंच रहा है उनके पास। तो इस बात से आप... भाई आज इसमें गलती है ना अल्लाह की नहीं है, फिर आज इसमें गलती हम मुसलमानों की है कि हम जकात अदा बराबर नहीं कर रहे। अच्छा, नहीं कर रहे, एक मिनट, हमारी गलती इसमें भाई। सुनो मेरी बात सुनो, आपकी गलती है कि आपने अदा नहीं किया, ठीक है। आप जब आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो उधर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अल्लाह की। आदम भाई से पूछ लेते ना, तो अल्लाह ने सिस्टम क्राइटेरिया बना के दिया ना हमें कि आप लोग दिया, लेकिन निकालो मेरे भाई। उसने सिस्टम बना के दिया, लेकिन वो सिस्टम काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब जिम्मेदारी किसकी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? आलम खान साहब, हेलो, मेरा सवाल सुना आपने? देखिए साहिल भाई, इंसान की जो मौत लिखी है ना उसी तरीके से आएंगी। हम एक दूसरी चेहरा देखेंगे ना, तो अल्लाह ने अपने माँ के पेट में हमको लिख दिया, वहां कौन आया था? ये समझ लग रही है, बेवकूफ हैं या बेवकूफ बन रहे हमारे साथ? बन रहे बस अल्लाह को बचाने के लिए बन रहे। मेरे भाई सुनो आलम खान साहब, अगर अल्लाह को भूख से लोगों को मारना था तो कम से कम अपने आप को राजिक नहीं कहना चाहिए था। ये इतनी सिंपल बात आपको समझ में नहीं आ रही है? अब इससे ज्यादा हम आपको नहीं समझा सकते ये बात। आप खुद, क्योंकि देखो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो अल्लाह को बचाने के लिए। बात बड़ी सिंपल है, जो दो पॉइंट आपने दिया कि अल्लाह ने सिस्टम बनाया, अगर अल्लाह ने सिस्टम बनाया और वो सिस्टम फ्लॉप हो गया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह पे ही आएगी। दूसरी बात, अगर अल्लाह ने भूख के वजह से लोगों को मारना था, मौत देना था, तो अल्लाह को अपने आप को राजिक नहीं कहना चाहिए था। ये दो चीज पे आप गौर करिएगा, हो सकता है कि आपका जहन खुल जाए, ठीक है मेरे भाई। अच्छा मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए आपने बता दिए मुझे कि अल्लाह ने ये दिया था, अल्लाह ने ये कहता, इसके बाद क्या करना चाहिए? अल्लाह ने बोला तो था हमें, हमको और दुनिया में कौन बता रहा है क्या ऐसा ऐसा करना चाहिए? मेरे भाई बोला था लेकिन वो काम नहीं कर रहा ना। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि तुम रिस्क पहुंचाओ, अल्लाह कह रहा है कि मैं रिस्क अदा करता हूँ। अल्लाह ताला तो मिसाल भी दे रहा ना, आपको मेहनत भी करना है ना आपको। एक अगर बर्ड है, बर्ड तक भी अल्लाह रिस्क पहुंचाता है, तो बर्ड भी तो रोज सुबह निकलती है ना अपने। लेकिन कहाँ पहुंचा रहा है? अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया, कितनी जगह तो आपको गिना दिए, नहीं पहुंचा रहा ना अल्लाह। उसको राजिक अपने आप को नहीं कहना चाहिए था। जब उसने अपने आप को राजिक कह दिया तो उसकी उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों तक किसी भी हाल में पहुंचे, वो सिस्टम फ्लॉप नहीं होना चाहिए। ये बात पे आप गौर करो, क्योंकि अभी आप सेम चीज रिपीट करते जाओगे तो कोई मसला नहीं, हम आपको सेम आंसर देते रहेंगे। तो माँ के पेट में भी तो अल्लाह रिस्क दे ही रहा है ना यार, वो माँ के पेट में नहीं दे रहा। अगर माँ को रिजक नहीं पहुंचेगा तो उसके बच्चे को भी नहीं पहुंचेगा। अबे यार क्या कर रहा है, माँ को पहुंचेगा तो उसके पेट में बच्चे को पहुंचेगा ना, माँ तक ही नहीं पहुंचेगा तो बेटा बनाया। मैंने साबित कर, मैंने नहीं बनाया, चल मैंने बनाया। हेलो, मैंने बनाया, एडम ने बनाया, बता साबित कर मैंने नहीं बनाया। क्या साबित करो आपने बनाए? हाँ मैंने बनाया सर। ठीक है आपकी जन्नत आपको मुबारक सर। थैंक यू, बाय बाय। ओके आलम खान साहब, आपका होमवर्क याद रखना, आपका होमवर्क याद रखना, आपको हदीस से और कुरान से ढूंढ के लेके आना है कि जो अच्छे लोग होते हैं, पॉलीथियस मुशरिक और मूर्ति पूजक जो अच्छे होते हैं, उसको अल्लाह जो है वो आखिरी वक्त में फरिश्तों के जरिए से कलमा पढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह लेके आऊंगा। और अगर नहीं मिला तो फिर आपको अपने इस्लाम के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है भाई? ठीक है, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलम स्केप्टिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आलम स्केप्टिक साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आदाब साहिब भाई। आदाब, कैसे आप? जी आप अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। मोमिन है सर आप? नहीं मैं तो अभी डाउटफुल हूँ। अच्छा अभी भी डाउट में है, किस चीज का डाउट है आपको, कहाँ फंसे पड़े हो? मतलब भाई अच्छा, निकालेंगे इसमें इसमें
इसमें एक चीज लेकिन मैं बता दूं कि क्या मुसलमान को डाउट में रहना अलाउड है? एब्सोल्युटली नहीं, शक आया तो गेम खत्म। हां शक आया तो गेम खत्म, सही है आपकी बात। तो आप तो ऑलरेडी निकल चुके हो, आप डाउट में है मतलब आप ऑलरेडी नॉन मोमिन हो चुके हो। नहीं नहीं वो तो मतलब शायद ऐसा भी हो सकता है ना, उनको मतलब आप तहकीक करो, शक में नहीं है ना, अलाउड नहीं है ना। इस्लाम में रह के आप अल्लाह की कोई भी बातों पे डाउट नहीं कर सकते हो। मैं आप मतलब मैं दोनों तरफ से जज करना चाह रहा हूँ। मतलब मैं एक बार मुफ्ती साहब से बात किया था, मुफ्ती यासिर नजीमी साहब से, वो अमीरख के चैनल पे मेरा एक वीडियो है, आप देखे होंगे शायद। ओके तो उनसे भी मैं बात किया था, मतलब वहाँ पे मैं डाउट्स जो मेरे थे वो भी उनको पूछा था, उनको भी एड्रेस कर नहीं पाए। लेकिन मेरा ये और एक मतलब जो इस्लाम के स्टैंड में जो बहुत स्ट्रांग लगता है, मतलब क्या आप, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि क्या आपने कुरान मतलब पूरा लाइन बाय लाइन ऐसे जैसे उसको रीड करते हैं पूरा रिलीजियसली वैसे रीड किया है, या फिर मतलब मैं समझता हूँ जो पिक एंड चूज हम करते हैं ना, तो एक दफा नहीं मल्टीपल दफा प्रॉब्लम पैदा होता है पिक एंड चूज करने से। आपसे बोला सर एक दफा नहीं मल्टीपल दफा। जी जी जी, तो कुरान के अंदर जो एक मतलब क्या आप समझते हैं कि कुरान के अंदर कोई क्वालिटी है? एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं ये तो एक एक्सट्रीम। क्या सेंस में, क्या सेंस में बोल रहे हो आप? क्या सेंस में बोल रहे हो? कुरान ऐसा बुक, कुरान ऐसा बुक बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो? कुरान ऐसे रिलीजियस बुक सर, कोई भी एक क्वालिटी दिखा लें।